हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग हैं कजाकिस्तान के ट्रेन में। तो आपको मैं ट्रेन दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दो प्रकार का ट्रेन होता है, एक जनरल बोगी और एक कूपे। तो अभी हम लोग खड़े हैं कूपे में। तो यहाँ पे ट्रेन में क्या क्या फैसिलिटी होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना कूपे दिखाना चाहता हूँ कि कूपे कैसा है। इफ आप लोग को सुनाई अच्छे से दे रहा होगा तो वेल एंड गुड, इफ नहीं दे रहा हो तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर ले। तो एक कूपे इस तरह का प्रकार का होता है, और ये कॉरिडोर है जहाँ से आप चल सकते हो, और हर एक में एक रूम होता है। तो सबसे पहले मैं बाथरूम से शुरू करता हूँ। ये मेरा दोस्त निर्मल चौधरी फ्रॉम पाली राजस्थान। तो मैं सबसे पहले बाथरूम से शुरू करता हूँ कि बाथरूम कैसा है। तो ये नॉर्मल बाथरूम है, और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, और ये ऐसा है और ये एक ऐसा है, ठीक है। तो ये बाथरूम हो गया। फिर मैं आपको चल कर दिखाता हूँ कि यहाँ पे बार कैसा होता है और यहाँ पे रूम कैसा होता है। तो मैं सबसे पहले मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। तो मेरा रूम है क्या बोलते हैं 8 और 15। तो ये मेरा रूम है, तो ये है। तो इसको खोलो तो ब्रदर, एक बार खोलना, एक बार खींचो इधर, इस तरफ हटो। तो इस तरह से खुलता है, और ये मेरा रूम है, यहाँ पे सोया हुआ है, और ये मेरा वाला बेड है। तो मैं इस पे अभी 4 घंटे सोया था। तो ये मेरा बेड है, और यहाँ अंकल आंटी लोग सोई हुई, यहाँ पे एक दादी सोई हुई है, यहाँ पे एक दादाजी सोए हुए हैं, और यहाँ पे एक और दादी सोई हुई है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पे जो है ना तो यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है फोटो जो है डा फोटो बेला। तो यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, और ये मेरा बोगी नंबर 9, और यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है +24, और अभी का टाइम लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ है। तो वहाँ पे पुलिस था, वो पुलिस देख रहा था कि क्या कर रहे हैं हम लोग। और अभी आपको हम लोग बोगी वो क्या बोलते हैं उसमें जाके दिखाते हैं, कैफेटेरिया में। तो दोस्त ये अभी कैफेटेरिया में बैठा हुआ है, और ये अपना छोटा। तो कुछ बोलना है आपको? गाइस, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये भी अनुरोध करूँगा, थोड़ा सा जोर से बोलो, मोदी जी से भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि एक ऐसा छोटा सा बार अपनी भी ट्रेन में हो, थोड़ा दारू नहीं मिले, क्योंकि दारू मिला तो ट्रेन। तो यहाँ देखो दारू मिलता है इस तरह से, लोग यहाँ दारू पी रहे हैं। अगर इंडिया में ऐसा हो ऐसा इस टाइप का, तो भाई मेरे ख्याल से ट्रेन चलना मुश्किल हो जाएगा, इतना लोग मिलेंगे, पायलट को जाके अब मैं ट्रेन चल रहा हूँ। तो वहाँ पे समोसे पोहे और ऐसा कैंटीन बनाओ, मतलब जिसमें दारू नहीं, वेजिटेरियन अच्छा मील, लोग आके ऐसे बैठ सके, बहुत अच्छा लगेगा। क्या बोलते हो आप इस बारे में? मेरा तो राय सही है। तो आप यहाँ देख लो कि जैसा ये है, और वो मामा अभी बेच रही है इसमें ये मामा अपना बेच रही है, और वो वहाँ पे कैफेटेरिया है, वहाँ पे वो वाला कैफेटेरिया है। तो आप यहाँ पे सब कुछ, तो अभी यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है। तो अब हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ट्रेन कैसा है, और नॉर्मल सा जो स्टेशन होता है वो कैसा होता है वो दिखाता हूँ, और बाहर से ट्रेन कैसा दिखता है। और अभी ये समर का टाइम है, तो समर टाइम में ट्रेन कैसा होता है, और हम अपने दोस्त लोगों को दिखाते हैं कि क्या सीन है। तो बताओ कुछ गाइस, यहाँ भी पता है इंडिया की तरफ अगर ट्रेन लेट होती है तो जो ब्रेक है उसको कम करते हैं। इसी स्टेशन पे हमारा 30 मिनट का ब्रेक था, अभी बताया किसी ने कि 20 मिनट कर दिया। हाँ, तो देखो ये नॉर्मल सा ट्रेन है, और ये वोकजाल है। वोकजाल मतलब यहाँ VOKZALB, तो ये वोकजाल हुआ। वोकजाल मतलब कि यहाँ पे ये ट्रेन स्टेशन, वैसे वोकजाल मतलब बस स्टेशन और ट्रेन स्टेशन। तो ये ऐसा है, और ये इस प्रकार का ट्रेन है। तो ये हमारे बच्चे इधर जा रहे हैं, और मेरा जो स्टेशन है वो पीछे है। तो ये बच्चे के लोग खेल रहे हैं, और मेरा स्टेशन पीछे है।
तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर में। ये टीटी का रूम है, और तो यहाँ पे गर्म पानी आता है, तो आप ऐसे करके आप यहाँ से गर्म पानी ले सकते हो। ये 5 मिनट में ये सूप बन जाएगा, सूप प्लस मैगी। और तब तक मैं 5 मिनट में, जब तक ये बन रहा है तब तक हम ग्रीन टी के लिए जुगाड़ करते हैं। कप का सर तेजाजी कप ला देना मुझे, और मैं अपने दोस्त को ये एक ही चाहिए भाई मुझे, कोई 11-12 मूवी है नहीं, इसमें से एक मूवी इसको दे देना। सबसे बेस्ट कौन सा है? सबसे बॉलीवुड मेरे पास एक ही मूवी है, ये बाटला हाउस है। दे दे चल आप, ये मैं इसको शेयर कर देता हूँ। एयर ड्रॉप ऑन करो। तो अभी सुबह हो चुका है, अब सुबह के सात बज रहे हैं, और बाहर का व्यू इतना अच्छा आ रहा है, वहाँ सामने माउंटेन है पहाड़। और अभी 1 घंटे में हम लोग कालमाटी स्टेशन आ जाएगा, फिर मैं वहाँ से दिखाता हूँ। और हमारे साथ जो दादी बैठी है, दादी बोल रही है कि तू मेरे साथ चल रहा है और मेरा सामान उठा के लेके चलना। मैं बोला ठीक है। फाइनली हम लोग पहुँच गए अलमाटी, और अलमाटी आपको एग्जैक्ट दिल्ली जैसा लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ अलमाटी का रेलवे स्टेशन का एरिया कैसा लगता है। तो ये देखो, कुछ कुछ दिल्ली सा सीन है, बस पॉपुलेशन कम है यहाँ पर, और गर्मी बहुत है आज।